Hello everyone, welcome back to your BSc class. Earlier we have read about the banks, कि किस तरीके से बैंक जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. How banking is beneficial to the businesses. तो बिजनेस सर्विसेज में आपने बैंकिंग जो था उसके बारे में पढ़ लिया. Now it is a new form of banking which is very popular nowadays. That is e-banking, right? So when I asked you, you people told me ki electronic banking is known as e-banking, which is run with the help of internet, right? So aapne mujhe bataya ki e-banking jo hai wo bahut hi ek popular mean hai in today's scenario, aur jo ki internet ki madad se chal raha hai, yani ki electronic banking. The growth of internet and e-commerce is dramatically changing everyday life, with the world wide web and e-commerce transforming the world into a digital global village. हमने ये क्या हुआ है, digital global village जो है ये बन गया है. हमारा जो world है वो digital global village क्यों कहला रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट है उसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया है, श्रिंक कर दिया है. किस तरीके से श्रिंक कर दिया है, विद इन सिंगल सेकेंड वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर, ऑल्दो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, राइट? अगर हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो बहुत सारा डिस्टेंस है, बट थ्रू इंटरनेट विद इन सिंगल सेकेंड वी कैन, हम एक दूसरे से मीट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, राइट? सो सेम हियर इन द बैंकिंग सेक्शन, आपका जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसमें भी हम क्या हो गए हैं, डिजिटल ग्लोबल विलेज हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. द लेटेस्ट वेव इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट बैंकिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड अनदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर्स, राइट? तो ये बहुत ही ईजी गोइंग हो गया है. पहले क्या होता था, आपको अगर बैंक के कोई ट्रांजेक्शन करने होते थे तो आपको एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता था. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मूव टू द बैंक्स, आपको क्या करना है, अपने घर से बैंक की तरफ जाना होता था. आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, आप एक लाइन में खड़े हुए हैं एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट? बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट की मदद से आप घर बैठ कर के भी बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं. तो इस तरीके से क्या हो गया है, वर्ल्ड श्रिंक भी हो गया है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो है वो हो गई है. और ये बहुत ही ज़्यादा कैसा मीन हो गया है, पॉपुलर मीन हो गया है. अगर आप सिंपल टर्म्स में देखते हो, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स Any user with a PC and a browser can get connected to the bank website to perform any of virtual banking functions and avail of any banking services. तो आपने देखा है कि यहाँ पर अगर आपको electronic banking का use करना है तो आपको क्या चाहिए, you need only gadgets. If you are having PCs, यानी कि अगर आपके पास में personal computer है और you are having a good quality और मतलब बिल्कुल latest mobile जो है जिन पर सारी services available है, so you can get any facility of banks, right? तो इस तरीके से आप bank की जो facilities हैं, जो services हैं, वो आप क्या कर सकते हो, avail कर सकते हो. There is no human operator to respond to the needs of the customer. अब यहाँ पर फिर से हो गया, यहाँ पर कोई भी respond करने के लिए यहाँ पर human being जो है वो नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, machines के through आपको button दबाने हैं और उसके through आप banking transaction जो है वो easily अपने घर पे बैठ के या whatever place you are वहाँ पर आप इन banking transactions को कर सकते हो, right? The bank has a centralized database that is web enabled. इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, जितने भी banks होते हैं, अब आपको क्या करना है, the first thing you are not supposed to go far, आपको घर पे बैठ कर के ही कर सकते हो, या on what place you are standing. अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं स्कूल से भी क्या कर सकती हूँ, अपने ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकती हूँ. अगर मैं घर पे हूँ तो मैं घर से अपने ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकती हूँ. First thing
कि मुझे कहीं भी जाने की जरूरत जो है वो नहीं है, मुझे किसी भी क्यू में नहीं लगना है। इसके साथ साथ अगर बैंक की कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक ब्रांच में जाते हैं, एक ब्रांच में जाते हैं तो उसका हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके रिलेशन जो है वो दूसरे बैंक से भी, बैंक की दूसरी जो ब्रांच है उससे भी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चक्कर नहीं लगाने होते हैं। एट ए टाइम हम वहाँ से ही एक ही ब्रांच में बैठ करके जितनी भी दूसरी ब्रांचेस हैं उनके पूरे जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वहीं की वहीं कलेक्ट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस, राइट। इसको आप क्या कह रहे हैं, वेब इनेबल्ड कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक ही वेबसाइट पे आपको उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके सारे डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पर कलेक्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड पहले आपको क्या करना होता था कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के इंफॉर्मेशन जो होती थी वो कलेक्ट करनी होती थी, राइट। इसके साथ साथ ही आपको इसके साथ साथ ही आप क्या कर रहे थे कि अगर आपको मतलब एक बैंक से रिलेटेड है तो आपको वहां तक जाना हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी ह्यूमन जो बीइंग है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जो सारा काम है वो किसके थ्रू हो रहा है, मशीनरीज के थ्रू हो रहा है, राइट। All the services that the bank has permitted on the internet are displayed on the menu. आप यहाँ पर देखते हो, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाते हो, जब आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हो तो आप देखते हो कि उनका जो मेन्यू है उसके ऊपर इनकी बैंक से रिलेटेड सारी सुविधाएं, जो भी आपको जिस तरीके का भी ट्रांजेक्शन करना है, अगर आपको FD ऐड करानी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो जितना भी ट्रांजेक्शन, जिस तरीके का भी ट्रांजेक्शन हम बैंक के थ्रू करते हैं वो सारा इनके कहाँ पर डिस्प्लेड होता है, उनके मेन्यू पर डिस्प्ले होता है, उनकी वेबसाइट पे, बैंक की खुद की वेबसाइट पे। एनी सर्विस कैन बी सेलेक्टेड एंड फर्दर इंटरेक्शन इज डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ सर्विस। जिस तरीके की सर्विस आपको चाहिए उसी तरीके की सर्विस आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, राइट। इन दिस न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द इंटरनेट कॉल्ड ई बैंकिंग। और ये जो सेवाएं आपको मिल रही हैं, जो भी सुविधाएं आपको उनकी वेबसाइट पर मिल रही हैं उसको आप क्या कह रहे हो, ई बैंकिंग कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनेट के थ्रू घर पर बैठ करके या जहां पर भी आप एट प्रेजेंट हो वहां पर ये बैंक के ट्रांजेक्शन्स की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इनका जो बैंक की जो वेबसाइट है, बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उनका मेन्यू आ जाता है और वहाँ के सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आ जाती हैं, आपको वह आप क्लिक कीजिए और उस सर्विस को अवेल कर लीजिए, राइट। लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एड वैल्यूज टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड एम्पावर्स कस्टमर। किस तरीके से आपके कस्टमर, बैंक के कस्टमर जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, कि बैंक जो है वो इन सर्विसेज के लिए आपसे क्या करते हैं, कुछ चार्जेस जो है वो लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो चार्जेस हैं वो वैरी होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इवन कोई बैंक का अगर रेगुलर कस्टमर होता है, कोई बड़ा कस्टमर होता है बैंक का, तो कई बार उनको इसके लिए डिस्काउंट जो है वो भी किया जाता है, या कई बार उनको वेव ऑफ भी कर दिया जाता है। द मीनिंग ऑफ वेव ऑफ मतलब उनसे इस तरीके की जो चार्जेस हैं वो लिए ही नहीं जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर एंड बैंक कि वो किस तरीके से उनको चार्जेस जो है वो उनसे लेता है। इस तरीके से बैंक की और जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होती है। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो रहा है, यानी कि इंटरनेट होना जरूरी है, आपके पास में गैजेट्स होने जरूरी है, आपके पास में पर्सनल कंप्यूटर होना जरूरी है। इफ दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल यू कैन इजीली गेट द सर्विसेज ऑन
इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी. सो व्हाई वी आर रीडिंग दिस इन द बिजनेस सर्विसेज, व्हाई वी आर रीडिंग इट इन दिस रिलेशन, क्यों? क्योंकि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो सबसे बड़ी चीज है, दिस इज लैकिंग ऑफ टाइम. यू आर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ टाइम कि आप जाकर के उसको बाहर समय को बर्बाद कर सको. सो फॉर दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज एट ए टाइम एट द स्पॉट आपको अवेलेबल कराती है, राइट? दस ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स दैट अलाउज अ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज. कौन कौन से किस तरीके की सर्विसेज? मैनेजिंग सेविंग्स, आप घर बैठ करके ही अपनी जो सेविंग्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो. यू कैन हैव ऑल द डिटेल ऑफ योर बैंक अकाउंट ऑन योर मोबाइल फोन, राइट? यू आर नॉट सपोज टू गो टू बैंक एंड यू आर नॉट टू वेस्ट योर टाइम. चेकिंग अकाउंट्स, आप अपने अकाउंट चेक कर सकते हो. अप्लाइंग फॉर लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन की एप्लीकेशन जो है वो भी आप घर बैठ करके लगा सकते हो. अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू या फिर अपने मोबाइल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोन अप्लाई कर सकते हो. और पेइंग बिल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होते हैं आपके पास में, आजकल मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो उनके थ्रू आप बैंक की ई बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आप अवेल कर सकते हो. अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट का डिटेल चाहिए वो आपके फ़ोन पर अवेलेबल है. अगर आपको लोन अप्लाई करना है वो भी आपके इस पर अवेलेबल है. यदि आपको किसी भी तरीके की आपके जो अकाउंट है उनको चेक करना है वो भी आपको किस पे अवेलेबल है, ई बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल है, राइट? द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाई ई बैंकिंग आर. अब जो बैंक है उसके द्वारा आपको कौन कौन सी जो रेंजेस हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट विच इज वेरी कॉमन इज ATM. Which is very very common is ATM machines जो है, which is called automated teller machine. Automated teller machine आप सभी को पता है, जब आप रास्ते में जाते हैं अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर तक के रास्ते में भी आप एक या दो ATM जो है वो आप देख सकते हो, right? के किस ATM rooms जो है वो बने हुए हैं और वहां पर जाकर के आप ATM मशीन का इस्तेमाल करके आप ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हो. सपोज यू आर ऑन द रोड, सपोज यू आर ऑन ट्रैवल और वहां पर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, आप हार्ड कैश लेकर के नहीं जा रहे हो, सो इट इज ऑल्सो अलाउ यू सेफ्टी. आप उसको मनी को कैरी करके नहीं ले जाना चाहते हो तो, और ये आपको रास्ते में जगह जगह पर, ऐसा नहीं है कि हर छोटे डिस्टेंस पे, लेकिन मोस्टली सभी जगह पर आपको ATM मशीन्स जो है वो अवेलेबल है. तो आप अपना कार्ड डाल करके और वहाँ से पैसा जो है वो निकाल सकते हो. बैंक इन मशीन्स में पैसा जो है वो लगा देते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन गेट योर मनी फ्रॉम देयर. तो इट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर वे ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें कि आपको क्या करना है, बैंक जाकर के पैसे निकालने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू इंसर्ट योर ATM कार्ड, यू हैव टू इंसर्ट योर ID और जो भी आपके नंबर्स हैं वो आपको इसमें इंसर्ट करने हैं एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन गेट योर मनी. तो ये सेफ भी है, सिक्योर भी है और आपको किसी भी जगह पर अवेलेबल भी हो जाती है. देन पॉइंट ऑफ सेल, POS जो है दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ सेल. आप देखते हो कि जनरली हम जो है मनी वो कैरी नहीं करते हैं, वी आर हैविंग प्लास्टिक कार्ड्स, हमारे पास में प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं. जब आप किसी शोरूम पे जाते हो तो यू आस्क देम कि मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो वो आपके लिए एक स्वैपिंग मशीन लेकर के आता है, आप अपना कार्ड स्वैप करते हो और आपके अकाउंट से पैसे जो है वो उनके अकाउंट में पहुँच जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी गोइंग. Then it comes electronic data interchange. Electronic data interchange जो है वो भी एक इस तरीके की सर्विस है जिसमें कोई भी एक कंपनी जो है
वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है। यू आर नॉट सपोज टू गो एट दैट प्लेस, आपको उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके की डीलिंग जो है वो दो कंपनियों के बीच में हो रही है, तो एक कंपनी जो है वो अपना सारा जो डेटा है, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो दूसरी कंपनी को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से क्या कर लेती है, कंपनीज जो है वो अपने डेटा जो है वो इंटरचेंज कर लेती है, और जो भी डील उनके बीच में होनी होती है वो डील क्रैक हो जाती है। सो इट ऑल्सो सेव्स टाइम, और पूरा का पूरा जो डेटा है वो एक बार में उनके कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी ईजी। उसके बाद में आता है आपका एंड क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास में क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें कि आप बाद में पेमेंट करते हो, राइट, या तो इंस्टॉलमेंट में आपकी ईएमआईज में वो कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप क्या करते हो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू। डेबिट कार्ड के थ्रू किस तरीके से पेमेंट करते हो कि आपने कार्ड स्वैप किया और आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है, जितना भी अमाउंट का आपका बिल है वो एडवांस में ही, मतलब एट ए टाइम क्या हो जाता है, वो डिडक्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन बैंक की, इन बैंकिंग ई बैंकिंग सुविधाओं का फायदा आप उठा सकते हो, इनके एडवांटेज, इनके बेनिफिट्स आप ले सकते हो, राइट। उसके बाद में आता है आपका द टू वेज इन विच ईएफटी कैन बी डन। ईएफटी जो है आपको जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो फंड ट्रांसफर जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हो, एनईएफटी के थ्रू, और दूसरा है आपका आरटीजीएस के थ्रू, राइट। सो दीज आर द टू वेज बाय विच यू कैन मेक ईएफटी। आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है, बैंक ट्रांसफर जो है, वो किस तरीके से कर पाओगे, जिसमें कि आप एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज कर रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, बैंक जो है ये सुविधा आपको देती है जिसमें कि आप अपनी मनी का ट्रांसफर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकते हो। तो ये जो है वो आप बैंक के आवर्स के बाद में भी कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बैंक आवर्स जो है वो बैंक अपने एक फिक्स आवर्स में वर्क करता है, लेकिन इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो आपको क्या मिल रही है, बैंक आवर्स के बाद में भी अवेलेबल है। इसके लिए बैंक जो है वो आपसे कुछ चार्जेस जो है वो लेता है इस इन फैसिलिटीज को देने के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कंडीशंस में कुछ बैंक के ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनकी कंडीशन में बैंक जो है वो इसको क्या कर देता है, वेव ऑफ कर देता है, राइट। एंड दिस इज द नेशन वाइड, ये पूरा पूरे नेशन में, मतलब पूरे आपके, आप देखते हो कि नेशन वाइड है ये जो इस तरीके की सर्विस है आपकी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सर्विस ट्रांसफर जो है ये आपको पूरे नेशन में अवेलेबल है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कि ये सिक्योर है, पूरा कंट्री जो है वो ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कहीं भी किसी भी सिटी में हो आप, तो इस तरीके की फैसिलिटी जो है उसको आप अवेल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने बताया था, आपको बताया था कि आप इसमें बैच वाइज सिस्टम होता है इसका, राइट। तो इसके बैच वाइज सिस्टम किस तरीके से होता है कि अगर आपने किसी इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता है, मनी का जो ट्रांसफर है वो इमीडिएटली नहीं होता है, जैसे आपने इसको यूज किया, अगर आपने एनईएफटी जो है उसको आपने यूज किया, आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एट दैट टाइम ही उसके, आपने जिसको ट्रांसफर किया है उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। इसके लिए क्या होता है, थोड़ी देर रुक करके एक दो घंटे के टाइम के बाद में जो मनी है वो ट्रांसफर होती है, राइट। इमीडिएटली इसमें नहीं जाता है पैसा, एक दो घंटा लग जाता है, जैसे स्लॉट हो गया, आपके बैचेस हो गए, 6 to 8 का बैच हो गया, तो 6 to 8 में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कितने 9 बजे इन्होंने क्या कर दिए, आगे एग्जीक्यूट कर दिए, राइट। तो 6 to 8 के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, 1, 2, 5, 10, 1000 जितने भी हुए, वो सारे क्या होते हैं, किस स्लॉट में जाएंगे, 9 वाले स्लॉट में वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बैच सिस्टम होता है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि इनका कोई भी मिनिमम जो ट्रांसफर है अमाउंट का वो इसमें नहीं होता है, मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको 10 rupees 100 rupees भी अगर ट्रांसफर करने हैं, सो यू कैन डू इट, राइट।
और सेकंड जो आता है वो आपका आता है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस जो है वो आपका है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मीनिंग क्या हो गया आपका कि जो रियल टाइम है, यहाँ पर मीनिंग जो लिखा हुआ है रियल टाइम, तो रियल टाइम का मीनिंग ये हो गया कि उसी समय पर, राइट। आपने देखा कि जो आपका एनईएफटी है, एनईएफटी में इमीडिएटली नहीं होता, बैच सिस्टम होता है जिसमें कि क्लियरेंस जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद में होती है। बट हियर इन द आरटीजीएस जो आपका अमाउंट है वो क्या होता है, वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो एक तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये चार्जेबल होता है, ये चार्जेबल होता है। और इसको क्या कर सकते हो आप, ये एक बार अगर अमाउंट जो ट्रांसफर हो गया, अगर एक बार अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसके बाद में इसको आप रोक नहीं सकते हो। एट ए टाइम, यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है कि रियल टाइम, तो जिस समय पर ये पेमेंट आप करते हो उसी समय पे ये पेमेंट जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के पास में, जो जिसको भी आपने ट्रांसफर किया है उसके पास में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसमें किसी भी तरीके का जो टाइम है वो नहीं लगता है, उसी समय पर ये हो जाता है। इसके लिए भी बैंक चार्जेस लेता है, लेकिन उनको वो वेव ऑफ भी कर देता है कुछ कंडीशंस में। और इनकी कोई, इसकी जो अमाउंट की लिमिट है, जो अमाउंट की लिमिट है इसमें, यहाँ पर ये मिनिमम अमाउंट लिमिट है जो कि कितनी है आपकी, 2 लाख रुपीस की है। यानी कि इसमें जो स्मॉल अमाउंट है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम 2 लाख रुपए जो है वो आपको इसमें ट्रांसफर करने होते हैं। तो इससे कम का अगर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होता है तो इन दैट यू हैव टू यूज एनी एफटी, राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप आरटीजीएस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 लाख रुपीस की जो वैल्यू है वो आपको इसमें करनी होती है। नाउ कम टू द बेनिफिट्स, अब आते हैं आप इसके बेनिफिट्स के ऊपर। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स विच आर, ई बैंकिंग जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको है। यू कैन ऑल्सो से कि आपके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आप देखते हो कि ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, सब कुछ जो है वो मशीनरी के थ्रू होता है। इमिडिएटली आपको पूरा जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपको, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यू आर, जैसे अगर आप देखते हो कि आप एटीएम मशीन का भी प्रयोग करते हो तो आपके पास में निकल करके आ जाता है कि आपके पास में बैंक में कितना बैलेंस, कितना आपने विड्रॉ किया और कितना बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में है। तो किसी भी तरीके की जो कोई फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट जो है वो नहीं रहता, ट्रांसपेरेंसी होती है, जो आपने किया है वो ट्रांजेक्शन आपको दिखा दिया जाता है और उसके अलावा जितना अमाउंट आपके बैंक में बचा है वो भी शो कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनी रहती है, आपके स्टेटमेंट जो है वो इमीडिएटली आपको मिल जाता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। बैंक के जो भी कस्टमर है उनको 24/7 Sometimes 24/7 and in some cases 24/7 नहीं होते हैं। आप देखते हो कि कुछ जो है उनमें आपको, अगर बैंक के हॉलीडेज हैं सैटरडे संडे की, तो उन दिनों पर ये सिस्टम जो है वो आप अवेल नहीं कर सकते हो। जैसे कि एनईएफटी जो है वो नहीं आप अवेल कर सकते हो, बाकी अदरवाइज 365 डेज और 24 आवर्स आप इस तरीके की सुविधाएं उठा सकते हो। जैसे कि एक सिंपल इसका एग्जाम्पल है कि आप एटीएम मशीन जो है उसको किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हो। देन कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शंस फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग वाया मोबाइल फोन्स। ई बैंकिंग में आपको ये भी सुविधा है कि आपको अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू गो टू द बैंक्स, इवन आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी आप क्या कर सकते हो, अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप अपनी मनी जो है वो अगर कोई आपको ट्रांसफर करता है तो वो आपको मिल भी जाती है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स हैं आपके। देन बिजनेस सर्विसेज के ट्रांजेक्शन किस तरीके से हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है, डिजिटल है, नॉन कैश है,
प्लास्टिक कार्ड्स हैं, ई बैंकिंग है, डेबिट कार्ड्स हैं एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ई बैंकिंग जो है वो आप पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो उसमें आपको अगर पेमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको NEFT या फिर RTGS जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको उसी समय पर इमिडिएटली पैसा चाहिए तो ATM मशीन्स जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको प्लास्टिक कार्ड जिनको कि आप स्वाइप कर देते हो और आपका पेमेंट हो जाता है, तो प्लास्टिक मनी जो है विच इज़ वेरी सेफ, इवन कि आपको कोई किसी भी तरीके की लूटपाट या ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा आपके पास में डेबिट कार्ड्स होते हैं, राइट, डेबिट कार्ड्स हैं आपके पास में। दिस वी ऑल रीडिंग फॉर डिजिटल नॉन कैश, ये हम डिजिटल ई बैंकिंग में पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द मोड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन डिजिटल बैंकिंग, आपका जो ई बैंकिंग है उसमें कौन कौन से मोड्स हैं पेमेंट के, दैट आर प्लास्टिक कार्ड्स एंड ई बैंकिंग, राइट। प्लास्टिक कार्ड्स जो हैं उनमें क्या आ जाते हैं, आपके डेबिट कार्ड्स आ जाते हैं एंड आपके क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं। डेबिट कार्ड होते हैं जिसमें कि आपके अकाउंट से सीधे के सीधे पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। समटाइम व्हेन वी गो फॉर अ शॉपिंग हम वहाँ पर क्या करते हैं, अपने डेबिट कार्ड जो है उनका यूज़ करते हैं। एंड आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो भी यूज़ होते हैं, बट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं जनरली प्रेफर नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें 45 days जो है उसका आपको क्रेडिट का टाइम मिलता है। तो आजकल डेबिट कार्ड जो है वो आपके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर आता है आपका पॉइंट ऑफ सेल, आपने पढ़ लिया था AEPS, UPI, माइक्रो ATM, BHIM, मोबाइल वॉलेट एंड प्रीपेड कार्ड। सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ यू कैन पे योर पेमेंट और यू कैन रिसीव योर पेमेंट, राइट। तो ये बहुत सारे आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो आपको अवेलेबल है, विच यू कैन ईजिली गेट ऑन योर फोन्स और थ्रू योर PCs, या तो आप अपने PCs के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल के थ्रू। ये इतने हैंडी हैं कि आप इनको चलते चलते, ट्रैवलिंग करते समय या किसी भी समय पे इमिडिएट भी आप क्या कर सकते हैं। सपोज योर फ्रेंड इज देयर एंड ही और शी इज इन नीड, राइट, तो आप वहाँ से बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जनरली आई एम यूजिंग ऑल्सो पेटीएम यूज करते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए। आपके अकाउंट से आपका जो फेयर है या आपका जो भी आपका रेंट है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिल है या फिर आपका पानी का बिल है, इवन दीज पेमेंट यू कैन मेड। सो दिस इज ऑल फॉर ई बैंकिंग विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस। इट इनकल्केट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है कि आपने किस चीज़ को इनकल्केट करता है, कौन सी हैबिट आपको डालता है कि आप अपनी मनी का सोच विचार करके इस्तेमाल करते हो। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम आपको सारी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाती है। सो हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग, ये सब आपके उस पर आ रहा है कि कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो। सो यू कैन कीप अ चेक ऑन इट कि आपको कितना पैसा जो है वो वाइजली आपको खर्च करना है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर जो है उसको बैंक की इस सुविधा से सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है। आपने देखा होगा कि जब आप बैंक की लाइनों में लगे रहते हैं, आप अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, आई से कि आप अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करते हो, तो आप इरिटेट हो जाते हो। जब बैंक आपको इस तरीके की डिजिटल सेवाएं देता है तो वो क्या करता है, आपका टाइम भी सेव करता है। एंड दिस सिनेरियो स्पेशली इन द पेंडेमिक टाइम व्हेन नोबडी इज गोइंग टू द पब्लिक प्लेसेस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको ई बैंकिंग जो है वो अवेलेबल है। आपको किसी भी चीज़ के लिए, पैसे के लिए आपको रुकना नहीं पड़ रहा है। पेंडेमिक के टाइम पे आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको डिजिटल बैंकिंग जो है वो आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, राइट। यू कैन गेट योर मनी ईजिली ऑन योर मोबाइल फोन से इवन by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash, right?
तो आपने ये देखा यहाँ पर कि आपको किस किस तरीके से ये आपको फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं कि ये आप कितना भी अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, बैंक से आप अपना पैसा निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि आपको किसी ब्रांच में जाकर के आपको आपकी अगर वाल्मी नगर की ब्रांच है तो वहाँ जाना है, या आपको सिटी में या फिर सांगा नेर की ब्रांच है तो आपको वहाँ जाना है। यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर, आपको अपने ही मोबाइल फोन पे आपका पैसा जो है विद लेस रिस्क, बहुत ही कम रिस्क के साथ में अवेलेबल हो जाता है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। और उसके साथ साथ अगर आप पैसे के साथ में ट्रेवलिंग नहीं करना चाहते हो, आपको एक बड़ा अमाउंट जो है वो किसी को देना है और आप उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। द प्लेस यू आर गोइंग वहाँ पर भी डिजिटल है सब कुछ, वहाँ पर आप चाहे से एटीएम मशीन का यूज़ कीजिए या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का यूज़ कीजिए, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कीजिए या फिर कैश इन हैंड ट्रांसफ़र कीजिए, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है। द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाई ई बैंकिंग द बेनिफिट्स आर, अब न केवल यहाँ पर हमें बेनिफिट हो रहे हैं एज कस्टमर अगर हम देखते हैं तो न केवल हमें फ़ायदा है डिजिटल बैंकिंग का या फिर ई बैंकिंग का, बल्कि बैंक जो है उनको भी इसमें काफ़ी सुविधाएं जो है उनको भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। व्हाट आर दे, द फर्स्ट इज ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहे हैं। इफ़ अ बैंक इज प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, आपको लग रहा है कि ये बैंक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इजीली एक्सेस होती हैं, तो आप क्या करोगे उसी बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन करना पसंद करोगे। तो जितने मैक्सिमम कस्टमर होंगे बैंक के पास में इन टुडेज सिनेरियो, जबकि प्राइवेट बैंक्स जो है वो भी हैं फील्ड में और आपके नेशनलाइज बैंक हैं वो भी फील्ड में है, तो अगर जितना वो आपको सेटिस्फाई करेगा तो बैंक का जो ट्रांजेक्शन है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बैंक के कस्टमर्स जो है वो भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। सेकेंड थिंग इज ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेज, एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडेम एंड अ टेलीफोन हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड कैश विदड्रॉल नीड्स टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ई बैंकिंग जो है वो आपको अनलिमिटेड नेटवर्क जो है वो अवेलेबल करा रही है, अनलिमिटेड नेटवर्क की मदद से आप क्या कर रहे हो, अनलिमिटेड नेटवर्क होने की वजह से आप क्या हो रहे हो, किसी भी एक ब्रांच को लेकर के आप लिमिटेड नहीं हो जाते हो कि यू हैव टू गो टू देयर, राइट। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं नेटवर्क के थ्रू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग के कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो। बस इसके लिए आपको ज़रूरत जो है वो किसकी होगी कि आपके पास में एक मॉडेम होना चाहिए जिससे कि आपका इंटरनेट कनेक्ट किया जा सके, आपके पास में एक पीसी या फिर आपके पास में एक अच्छा हैंडसेट जो है वो होना चाहिए, राइट। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसीडरेबली रिड्यूस बाय एस्टेब्लिशिंग centralized database and by taking over some of the accounting functions, right? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ accounting functions जो है वो भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ इनका जो data है वो भी centralized हो गया है, जिसकी वजह से bank की जो branches हैं उनमें जो load है, workload जो है वो कम हो गया है। Even वहाँ पर जो आपको मैन पावर है वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, मैन पावर की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पहले एक ही काम को करने के लिए तीन या चार लोग लगाए जाते थे, आज एक पीसी के ऊपर एक ही व्यक्ति को बिठाया जाता है और वो सारे ट्रांजेक्शन जो है, जो जितनी भी बैंक की जो मतलब कहते हैं ना कि बैंक की जितने भी वर्क होते हैं वो उनको वहाँ पर एक अकेला आदमी कर लेता है। तो इस तरीके से ब्रांच के ऊपर जो लोड है वो भी कैसा हो गया है, कम हो गया है। अब बैंक को, बैंक के ही किसी कर्मचारी को दूसरी ब्रांचेस जो है वहाँ तक नहीं जाना होता, क्यों, क्योंकि सारे ही बैंक्स का जो डेटा है वो कैसा हो गया है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से आपको सारा डेटा जो है वो उस पीसी पे अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पर भी किसी भी मैन पावर को यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, और ईजीली जितने भी अकाउंटिंग फंक्शंस हैं वो भी ईजीली वहाँ पर किए जा सकते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंश्योरेंस।
So tomorrow we will start with insurance. This is all for today. Hope you get everything. Everything is clear to you. If some misconceptions या आपको कोई भी अगर लग रहा है कि कोई चीज क्लियर नहीं है, we can do it in next class. Okay, till there, take care. Thank you.